आज का चुनावी सफर एक बेहद खास सीट राजगढ़ से। राघवगढ़ से आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह, उनसे भी बात करेंगे और उन्हें टक्कर देने वाले दो दफे के बीजेपी के सांसद रोडमल नागर, और साथ ही जानेंगे क्या है राजगढ़ के चुनावी मुद्दे, लोगों से भी करेंगे बात। तो चलिए मेरे साथ आज के चुनावी सफर पर। राजस्थान की सीमा से लगा राजगढ़, जहां सालों से राजा महाराजाओं का दबदबा रहा, लेकिन 2014 से लेकर अब तक बीजेपी के कमल में कांग्रेस का पंजा गुम हो गया। पिछले लोकसभा चुनाव में रोडमल नागर ने कांग्रेस की प्रत्याशी को 4 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की करीबी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गई। 10 साल से बीजेपी के रोडमल नागर सांसद हैं। अपनी चुनावी सभाओं में वो स्थानीय मुद्दों की कम, प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा और राम मंदिर की ज्यादा बात करते हैं। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारा जीवन है, राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन उन राम को, उस राम मंदिर के लिए इसी कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में प्रमाण पत्र पूछे थे कि राम जी कहां पैदा हुए थे, उनके जीवन का वो उनका प्रमाण पत्र का, जन्म का प्रमाण पत्र। इस लोकसभा चुनाव में राजगढ़ लोकसभा सीट से एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां बीजेपी से दो दफे के सांसद रोडमल नागर हैं, तो उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह हैं, जो इस तरह से अपने इलाके के हर गांव में जाकर लोगों से समर्थन और वोट की अपील कर रहे हैं। प्रचार के बाद हमने उन्हें थामा, कुछ सवाल किए इलाके के बारे में, उनकी प्राथमिकताओं को लेकर। क्षेत्र की जनता को किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? राम मंदिर तो बन गया, फिर भी ज़्यादातर आपने राम मंदिर की बात की। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी अगर वोट मांग रही है तो विकास क्या, राम मंदिर भी मुद्दा है। जो कि आपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की थी, अभी तक बन नहीं पाया। देखिए, फूड प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं थे, हमारे यहाँ रेलवे नहीं था, हमारे यहाँ पानी नहीं था। रेलवे का काम पूरा कहाँ हुआ अभी? अरे भाई, काम चल रहा है ना। पलायन की बात आपने भी कही, लेकिन पलायन अभी भी रुका नहीं है। रोजगार के लिए क्या करेंगे आप इलाके के? देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार के लिए हम करेंगे। नरसिंहगढ़ के लोग केंद्रीय विद्यालय के बारे में पूछ रहे थे, तो उसको लेकर के कुछ बात हुई? देखिए, वो टेक्निकल उसका कारण था, प्रपोजल उसको लगा हुआ है, और नरसिंहगढ़ में हमारा कमिटमेंट है, नरसिंहगढ़ में केंद्रीय विद्यालय जो है खुल करके रहेगा, वो ऑन प्रोसेस है। तो दिग्विजय सिंह को चुनौती नहीं मानते? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने कोई भी चुनौती नहीं है। आश्वस्त है अपनी जीत के? बिल्कुल पूरे आश्वस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और रिकॉर्ड के साथ जीतेगी, ताकत के साथ जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रोडमल नागर जी जो यहाँ से आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति और कह रहे हैं रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। राजगढ़ लोकसभा सीट में हम निकले हैं लोगों की समस्याओं को जानने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर के आसपास कहीं भी जाएं, पोहा तो बनता ही है। वैसे राजगढ़ लोकसभा के लिए अब तक हुए 18 चुनावों में 8 बार राज परिवारों का कब्जा रहा, 7 बार राघवगढ़ राज परिवार के सदस्य, तो 1 बार नरसिंहगढ़ महाराज यहां से सांसद बने। 7 दफे जनसंघ, बीजेपी और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत चुका है।
दिग्विजय सिंह यहां से दो बार सांसद चुने गए, उनके भाई लक्ष्मण सिंह भी तीन दफे कांग्रेस तो एक बार बीजेपी से सांसद रहे। सालों बाद यहां से लोकसभा की रण में दिग्विजय स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कुछ इसी तरह से हर दिन लगभग 20 से 25 गांवों का दौरा करते हैं, शांति से आराम से लोगों की बातें सुनते हैं और गांव में इस तरह से नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करते हैं। अब यहां मैं जाता हूं, आपके पानी की समस्या समझ में आती है, लोग कहते साहब पानी नहीं है, फिर लोग कहते हैं कि साहब सिंचाई भी नहीं है। अभी हमारे गांव में एक हमारे बुजुर्ग हमसे लड़ लिए, कहा कि आप हमारी सिंचाई का साधन नहीं कर रहे, पानी नहीं कर रहे, तो मुझे अच्छा लगा। कारण यह है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों से मांग करके उनसे लड़े। इलाके पर बीजेपी की चुनौती पर एक छज्जे के नीचे एनडीटीवी ने उनसे कुछ सवाल पूछे। जो हालत में मैं छोड़ गया था उसी हालत में है इलाका, हैंडपंप हमारे चल नहीं रहे, इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये, यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, हैंडपंप सूख गए तो हमारे समय स्कैर्सिटी डिक्लेयर हो जाती थी, तीन फसलें लेने लगे किसान। अब सांसद जी ने कहा कि हाँ होशंगाबाद में लेते हैं, नहीं कह रहे थे राजगढ़ में तीन फसलें लेने लगे, बता देख लो आप कहीं हो तो दिख जाए तो बता। पलायन अभी भी आप एक समस्या देखते हैं यहाँ से लोगों का, ऐसा है पलायन कम हुआ है, 10 साल हो गए और केंद्रीय विद्यालय नहीं आया नरसिंहगढ़ में, तो क्या ये इतना मुश्किल काम है? वो कह रहे थे तो कुछ तकनीकी पेच फंसा हुआ है 10 साल। कोई तकनीकी पेच नहीं है, अर्जुन सिंह जी ने मंजूर कर दिया था, जमीन अलॉट हो गई है, लेकिन हमने बात की जब केंद्रीय विद्यालय प्रशासन से दिल्ली में, उन्होंने कहा साहब लोकल राजनीतिक प्रेशर है, ये अभी ना खोला जाए। बीजेपी को आपसे प्यार बहुत है, खिलचीपुर में जब गृह मंत्री जी आए थे तो खूब नाम लिया आपका, ऐसा क्यों? 17 बार लिया और मेरा जनाजा निकालने की तैयारी की। कोई कनेक्ट ज्यादा गहरा दिख रहा है या कुछ डिस्कनेक्ट लग रहा है कि मुद्दों पर, क्योंकि आप काफी दिनों तक बाहर रहे केंद्र? ऐसा था, मेरे समय के जो बुजुर्ग लोग थे उनके बच्चे नाती पोते सब मुझसे मिल रहे हैं, तो उनसे चर्चा हो रही है, संबंध जुड़ रहा है। पर ईवीएम के दौर में ही चुनाव लड़ना है, और तो आप कितने आश्वस्त लग रहे हैं अपनी जीत के? बात ये है, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा चुनाव भाजपा से भी है और ईवीएम से भी है, तो इतने वोट दो कि उसमें ईवीएम भी हारे और भाजपा भी हारे। राम मंदिर की बात करते, फिर जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा राम हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, तो आपको लगता है कि इस पिच पर आने की जरूरत है जहां चुनाव में? बिल्कुल नहीं। एक हमारे भाजपा के नेता ने ये भाषण में कहा कि भाइयों और बहनों, दिग्विजय सिंह के खिलाफ रोडमल लाकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भगवान राम उम्मीदवार हैं। तो मैंने कहा भाई भगवान राम उम्मीदवार होते तो दिग्विजय सिंह पर्चा काहे को भरता? एक चूंकि बीजेपी से कई बड़े नेता यहाँ पर आए, गृह मंत्री भी आए आपके आसपास, क्या राहुल गांधी या प्रियंका जी आ रही हैं आपके लिए प्रचार करने के लिए? राहुल गांधी तो अभी दौरा कर चुके हैं, पहले ही रोड शो उनका वो यात्रा हुई थी, अब मैं इनको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ। हाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, वो तीनों चार को रहेंगे। बस आप व्यस्त सर जाते थे, एक सवाल, कांग्रेस में लगातार नेता जा रहे हैं, रामनिवास रावत जी भी चले गए, क्या इसमें आपको लगता है खतरे की घंटी, क्योंकि उनके साथ कई कार्यकर्ता भी जा रहे हैं? कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहा है, कौन से कार्यकर्ता गए हैं? जैसे कल भी दावा किया कि हजारों लोग आए, बीजेपी का तो दावा है कि 3 लाख से करीब। नाम तो बता दे, सूची दे दे। तो आप ये कह रहे हैं कोई खतरे की बात नहीं है? नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिग्विजय सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं, और लगातार वो ऐसे गाँव के दौरे कर रहे हैं जो इलाके के मुद्दे हैं, जैसे हमने भी बात की तो फूड प्रोसेसिंग से लेकर तमाम ऐसी बातें, इस पर लोगों से बात कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये मुकाबला उनके बनाम रोडमल नागर ही रहे। दिग्विजय एक दिन में 25 गांव घूमते हैं, लोग उन्हें सुनते भी हैं, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री सत्तारूढ़ दल के सांसद का रिपोर्ट कार्ड हमें लखनवास गांव में मिला, गांव वाले दोनों दलों से नाराज दिखे। दादा आपका नाम? रूप सिंह। रूप सिंह जी, हाँ, लखनवास। इलाके में जब दोनों सांसद के उम्मीदवार घूम रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी हो चाहे रोडमल नागर जी हो, बतौर गांव वासी आपकी क्या मांग है, बतौर मतदाता आप क्या चाहते हैं कि आपके सांसद चाहते हैं? पानी और उसमें टंकी बन गई, अब उसमें मोटर नहीं तो पानी कहाँ से आओ साहब, और सड़क बन जाए और कुछ नहीं। काकी नाम क्या आपका?
गुड्डी भाई रहेगा। क्या समस्या आपने अभी रोका था यहाँ जो उम्मीदवार है दिग्विजय सिंह जी उनको क्या बता रही थी? हमने यह बता रहे ऐसा कही कि हमारे घर नहीं रेवान, चलो तुम देख लो, पानी की समस्या नहीं, हमारा कुछ नहीं, पानी है ही नहीं, पानी नहीं है। और क्या दिक्कत आती है? घर नहीं है हमारा, सब कुटिया मल गई, पूरा देश कुटिया मल गई, हम कुटिया नहीं मिली। क्यों नहीं मिली कुटिया? कई पातो क्यों नहीं मिली? गांव में किसी को नहीं मिली सर, गांव में किसी को बहुत कम मिली, ना के बराबर 5% कुटी मिली। और मुंशी की गलती है, स्थिति देखो सर, तुम गांव के इधर ये देखना, कपड़े कपड़ा है इधर। आपको भी क्या दिक्कत है? आपका नाम बोलिए ना। नाम बोला नहीं। सविता भाई है। सरिता भाई, तो आपको भी क्या प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? क्या दिक्कत? नहीं मिले, कुछ भी आवाज नहीं मिले, कोई कोटी की लाभ नहीं, कोई शौचालय में रह रही है, टापरी बना, टापरी बना, हाँ टापरी बना कर रही, कुआ पर रह रही, नहीं माना तो मुझे सबसे कोटी क्यों नहीं मान रही हम बस जिंदगी से घूमते हैं, शौचालय भी नहीं मिले हमें तो अभी सब दावा कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बन गया। ये डिजिटल इंडिया ऐसा रहता है क्या? ये देखो स्थिति इस गांव की स्थिति, डिजिटल इंडिया ऐसा रहता है क्या? 2023 में बोल रहे थे कि सबको आवाज मिल जाए, 2024 में ये बोली थी पात्र लोगों की कुटी बनेगी। तो पात्र है इस गांव में, सभी पात्र है, ऐसी स्थिति रहती के पात्र जो संपन्न लोग होते तो उनकी बिल्डिंग होती, बड़ा बड़ा मकान। जब आप लोगों ने अर्जी दी थी तो कुछ बताया आप लोगों कुछ की क्यों नहीं मिला? अर्जी लगे सर, कोई नहीं सुनता है, बीजेपी की शासन देख ली, कांग्रेस की देख ली पहले, पर कोई नहीं सुन रहा है इस गांव की। गई अब नहीं लगनो या अगर जीत जाएगा वोट डर जाए जब कोई नहीं आना हमारे गांव में, बस यह बात है। कोई काम नहीं वोट के बाद में, कोई काम नहीं, कोई पार्टी काम नहीं करती, कोई पार्टी काम नहीं, तो देखो नहीं तुम तो आज से स्थिति ये गांव की ऐसी स्थिति, कांग्रेस बीजेपी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं करती है, और सेक्रेटरी और सहायक दोनों मिलकर मजा कर रहे, कोई बोल दे ओरिजिनल तो उनके घर गांव का किसान देखो कैसी हाल हो रही है इस गांव का, ना तो घर घर लेटरिंग की व्यवस्था नहीं है, शौचालय भी नहीं है, हर घर में नहीं, शौचालय तक नहीं, कोई काम नहीं, तो गांव में लोग अभी भी खुले में शौच, बिल्कुल खुले में जा रहे हैं सर शौचालय। सर मैंने शौचालय बनवाले अभी तक पैसा नहीं डाला, 3 साल हो गए बनाए, हमने 70,000 रुपए शौचालय में लगा दे, 12,000 रुपए नहीं, 12,000 रुपए नहीं मिले अभी तक, और क्या, और डैम का आ गया तो 25,000 रुपए दे दे, अब तक हमारे रुपए नहीं डैम का, मुंशी को नहीं मत, मुंशी ने मिला, यो 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 ये घर आ गो हमारा, मेरे दांत पीले क्यों रहे हैं? अब दांत से कई मतलब यो कई आ गो है, अभी नहीं है नहीं मार है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, इसीलिए पूछा मैंने। गांव के 25-30 डैम है जो सब सेक्रेटरी का गया, मतलब 2 नंबर से जॉब कार्ड बना के पूरे पैसे निकला दिए। अच्छा, मनरेगा के भी पैसे नहीं मिल रहे? हाँ कुछ नहीं पैसे मिल रहे इस गांव में, मतलब 12,000 रुपए नहीं मिले, शौचालय बना चुके हैं, शौचालय भी बना लिया, अभी तक एक पैसा नहीं आया, और चूल्हा मिला? कुछ नहीं मिला, चूल्हा मूला कुछ नहीं सामान, कंडा ताप ताप का भेड़े हो रहे हैं, पेंशन तक नहीं जुड़ पा रही उनकी, 60 साल वाली बना दिया हमने, वो सरपंच भी नहीं सुनता हमारी, ये को मतलब ही नहीं है यहाँ तो, लोकतंत्र का मतलब कोई मतलब नहीं है लोकतंत्र का, वोट भी डाल बने जाएगा नहीं दिया साल तो थोड़ी बहुत अगर उनकी अगर समस्या समाधान हो जाए तो कुछ काम समाधान अभी तक गांव में कम से कम 400 गौ माता है, भी पानी भी नहीं मिल रहा है, अच्छा गायों को भी नहीं मिल रहा, कुछ भी पानी नहीं मिल रहा था, 400 गैया है यहाँ, बिल्कुल पानी नहीं है, और गौशाला भी नहीं है इस गांव में, कोई भी मतलब सरकार की कोई भी सुविधा नहीं यहाँ पर, अनिवार्य रूप, और क्या बहिष्कार ही है, नोटा ही चलेगा साहब, कितने गांव कितने लोग यहाँ पर, 1,000 की वो है, 1,000 की आबादी है, 18 तो समथिंग वोटिंग है, और इस गांव की कितने घर है, यहाँ से घर है कम से कम 450 के एयरफेयर, 450 के एयरफेयर घर है यहाँ पर, ये कौन से गांव में लगता है? ये लखनवास पंचायत, निजी लखनवास है, पंचायत ही है ये गांव, ये बहुत बड़ी बात है, और गांव वाले इतने निराश हैं कि उनका कहना है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और ये एक कहते हैं ना कि क्लासिक उदाहरण है कि चाहे नल जल योजना की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे डिजिटल इंडिया की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे बुजुर्गों के पेंशन की बात करें, ये सरकार के लिए शायद, या शौचालय की बात करें तो ये सरकार के लिए केस स्टडी हो सकती है कि इस गाँव में आए जहाँ 10 साल से सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं,
दूसरे दल के नेताओं को भी वोट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस गांव में कोई प्रगति नहीं हुई है। चुनाव कोई जीते, हकीकत यह है कि इलाके में पानी की भारी किल्लत है, उद्योग नहीं है, युवक पलायन को मजबूर हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी बड़े शहरों का रुख मजबूरी ही है, खेतीबाड़ी पर बड़ी आबादी निर्भर है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट सालों से कागजों में ही है। राजगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।